हेलो दोस्तों, मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर सड्डा में। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर सड्डा में। जैसा कि आपको पता है कि भाई आज की क्लास कुछ खास होने वाली है, और उसके पहले आपके सामने एक बैनर दिख रहा है। इस बैनर से आपको ये पता लगता है कि अगर आप सब टीचर बनना चाहते हैं, देखिए आप सब में एक अच्छा टीचर बनने की योग्यता जो है वो कूट कूटेट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे DSSB का बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे DSSB का, तो आप यानी कि दिल्ली में आप जॉब पा सकते हो, और अगर आप टारगेट KVS ज्वाइन करोगे तो आप केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी पा सकते हो। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सारा का सारा जो है दोस्तों टीचिंग का महापैक में, भाई कोड अगर आप Y221 आप अगर लगाओगे तो ये तो बहुत ज़्यादा है, आपको इससे भी कम में पड़ेगा, लगभग 1700 में पड़ेगा, पर केवल और केवल आज। तो ये आपके सामने है। बाकी हम आते हैं आज की क्लास पे। आज की जो क्लास है वो कुछ खास है। खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको हम 10 MCQ भी कराएंगे, और साथ में जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो भी हम आपको कराएंगे। कोई बात नहीं पंकज जी। अब यहाँ पे मोना जी, दीप्ति जी है ना, धर्मेंद्र, कृतिका, मधुबाला, प्रगति, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, फ्रूट्स हो गया, और स्पाइसेस हो गया, है ना। इसी में सब आपका आ जाता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, तो ये सभी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है। जैसे कि कई बार आप बचपन में थे तो आपको पता था, आप लोगों ने याद किया था मोर का वैज्ञानिक नाम, याद करो आप लोगों ने मोर, यानी कि जो नेशनल हमारा मोर क्या है। अच्छा ये बताओ पहले, मोर क्या है आप लोगों का? मोर आपका जानवर है या पक्षी है? पहले तो ये बताओ कि भाई मोर क्या है, जानवर है कि पक्षी है? क्योंकि कुछ लोगों को यही कन्फ्यूजन होगा कि सर मोर होता क्या है, ये मोर जानवर होता है या आपका पक्षी होता है? तो भाई कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करना है ना, कि मोर क्या है, आपको आराम से जवाब देना है और बिल्कुल सीधा सही से जवाब देना है। चलिए, पीछे का नहीं दिख रहा था इस वजह से हमने कैमरा को ऑफ कर दिया। एनसीईआरटी बुक जो है दोस्तों, आप रवि कुमार जी एनसीईआरटी बुक चला रहे थे पर, लेकिन आप लोगों का कुछ खास रिस्पांस नहीं दिखा तो हमने उसको थोड़ा सा ऑफ कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं मुकेश जी, बस थोड़ी सी संख्या आप लोग की जैसे ही बढ़ेगी, आपकी संख्या 100 क्रॉस करेगी, वैसे ही कल के क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। तो आप सब लोगों ने कहा बर्ड है, ठीक है, बिल्कुल पक्षी है, याद रखें। अगर आप भूल जाते हो कि भाई कौन पक्षी होता है कौन जानवर होता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि यानी कि जिसके चोंच होती है, जिसके आपके चोंच होती है, तो जिसके भी चोंच होती है वो आपका पक्षी होता है, ठीक है? हाँ, जिसके भी चोंच होती है वो आपका पक्षी होता है। तो अब आप लोग ये बताइए कि क्या जो चमगादड़ है, आप लोगों ने देखा है और शायद लटके हुए, तो जो चमगादड़ होता है जिसे अंग्रेजी में बैट कहते हैं ना, तो ये चमगादड़ क्या है, पक्षी है या जानवर है? कोई लेट नहीं है भाई, चमगादड़ क्या है, पक्षी है या जानवर है? देखते हैं आप में से कौन सही जवाब बता सकता है भाई। और मोर का वैज्ञानिक नाम ये भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ चमगादड़ क्या है ये आपका, और चमगादड़ से केरल में एक बीमारी भी फैली थी, आप लोगों को पता हो। अगर आपको याद आ रहा हो तो चमगादड़ जो है हितांशी ने कहा मैमल्स है, यानी स्तनधारी है। बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं टीचर सड्डा, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे ताकि अगली बार आपके नोटिफिकेशन जो है जल्दी आ जाए। तो सोनिका जी कह रही हैं कि भाई चमगादड़ जो है वो एक जंतु है, यानी कि एक जानवर है, बिल्कुल सही। क्योंकि जो चमगादड़ है दोस्तों, इसके पंख तो होते हैं, ये उड़ता तो है, पर ये आपका पक्षी नहीं है, क्योंकि पक्षी की जो विशेषता होती है वो आपकी चोंच होती है, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैसे लिखा जाता है,
उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो भाई वैज्ञानिक नाम अर्थात साइंटिफिक नेम कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं कि राइटिंग साइंटिफिक नेम, तो व्हेन राइटिंग साइंटिफिक नेम द जीनस नेम इज ऑलवेज कैपिटलाइज। जो आपका जिस वर्ग के जो हम बात करेंगे वो आपका पहले होना चाहिए, और जो उसकी प्रजाति होती है वो आपकी बाद में होती है, यानी कि छोटे अक्षर में। जैसे कि ये आपकी बिल्ली है, ये आपका शेर है, और ये आपका जो है ओडोसेल्युस हेमिनस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फेलिस है, ये आपका फेलिस है। तो जो पहला लेटर है दोस्तों, जो फर्स्ट आपका लेटर है, ये आपका कैपिटल में है। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में कई बार आया है कि कोई भी अगर हम बायोनोमियल नेम देते हैं अर्थात वैज्ञानिक नाम देते हैं तो पहला शब्द किस में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो प्रगति जी, अनीता, वरुण वर्मा, जल्दी से बताओ कि पहला जो अक्षर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए और दूसरा अक्षर कैसा होना चाहिए। पेपर में ये प्रश्न आता है, तो पहला जो दोस्तों होगा वो आपका बिग होगा और जो दूसरा होगा वो आपका स्मॉल होगा। याद रखिए, पहला आपका बड़ा होगा, दूसरा आपका स्मॉल होगा। कई बार ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो सीधे सीधे, हाँ, जैसे वीना शाह ने कहा कि भाई मोर का नाम पावोक स्टेटस है। देखते हैं भाई, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जानवरों की ये नाम है एनिमल नेम, और इनका जो है साइंटिफिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम। जैसे कि मेढक जो है आप कई बार देखते हो, तो मेढक जो है वो टर टर की आवाज भी करता है। आप ये बताएंगे कि मेढक टर टर की आवाज क्यों करता है, भाई उसका मेन कारण क्या है टर टर की आवाज करना। इसी तरीके से आप लोगों ने जुगनू देखा है, तो जुगनू भी क्या करता है, लाइट मारता है, और ये लाइट रात में ही मारता है, क्यों, यानी कि नाइट में। आखिर क्या है, नहीं पंकज जी, आपने कहा कि भाई नॉर्मल बात है कैपिटल में होना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है ना, पर ऐसा नहीं होता है। अरे सीमा सूर्यवंशी जी, कोई बात नहीं, आप क्या करो कि भाई आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो, है ना, और लाइक वाइक कर दोगे तो बिल्कुल। मेढकी को बुलाने के लिए, भाई वीना का कहना है कि भाई मेढक जो टर टर कर रहा है वो अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए करता है ना, कि आ जा रे आ जा तेरा, है ना, तो इस तरीके से। अच्छा, जुगनू जो होता है फायर फ्लाई, वो क्यों करता है भाई, वो रोशनी क्यों करता है, जो फायर फ्लाई होता है, बिल्कुल सही है। तो चाहे वो आपका मेढक हो और चाहे आपका जुगनू हो, ये दोनों अपनी प्रेमिकाओं को बुलाने के लिए टर टर या लाइट करते हैं। नहीं मोनिका जी, ब्लड का जो सेकेंड पार्ट होगा वो फिर कभी होगा, है ना। अब यहां पे हम देखते हैं, जैसे कि बिल्ली का आप नाम देखिए तो फेलिस डोमेस्टिका है, इसी तरह कुत्ते का नाम कैनिस फैमिलियर्स है, गाय हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है। अच्छा, गाय हमारी माता है तो बैल हमारा क्या होगा, आपको जवाब देना है भाई। लोग कहते हैं ना गाय हमारी माता है तो बैल हमारा क्या होगा। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बॉस इंडिकस है, याद रखना क्योंकि एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई आप लोगों में भी कई लोग होंगे जो अपने प्रेमी प्रेमिका को बुलाने के लिए अलग अलग साउंड बोला करते होंगे, कभी कहते हैं भाई सोना बेटा, कभी कहते हैं मेरा सोनू मेरा टोनू, और इस तरीके से कभी कभी कोई कोयल की आवाज़ निकालता होगा, कभी कुछ, है ना। तो ऐसे ही भाई पशु पक्षी भी हैं, वो भी अपनी विभिन्न आवाज़ निकालते रहते हैं। अगर हम बैल के बारे में बात करें तो बैल भी इसी तरीके से साउंड क्रिएट करता है गाय को बुलाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर बैल और गाय का दोनों का नाम पता होना चाहिए, पंकज जी, है ना, नीतू जी, बहुत बढ़िया। तो बैल हमारा पिता है, गाय हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है। तो यहाँ पे जो बकरी जो है उसको क्या कहा जाता है, आपको पता है बकरी को छोटी गाय भी कहा गया है, बकरी को जो है छोटी गाय भी कहा गया है, यानी कि जो बकरी है उसे छोटी गाय के नाम से भी जाना जाता है। हाँ देखो,
कृतिका जी आपने कहा कि दिन में भी तो जुगनू बुलाते होंगे, पर नहीं, दिन में क्या है कि जो साइंटिफिक के दृष्टि से ये पता चला है कि दिन में जो होता है वो यानी फायरफ्लाई जो है वो रोशनी नहीं करते हैं, है ना। हाँ, चाहो तो आप पकड़ कर प्रयोग करोगे। और भाई आपका पहला काम होना चाहिए लाइक या डिसलाइक करना। क्या बात है भाई, आप लोग 80 के ऊपर हो तो भाई हिसाब किताब बराबर रखो, है ना। जी हाँ, अब देख लो कौन किसको क्या बुला रहा है, जानवी जी हो चाहे हर्षा जी हो। अब यहाँ पर सुअर का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह जो डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी क्या है दोस्तों, नेशनल जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया तो किस वर्ष में घोषित किया गया, और आपको ये भी जवाब देना है कि इस डॉल्फिन को बिहार में क्या कहा जाता है, क्योंकि भाई बिहार में इस समय बाढ़ आया है ना। तो बिहार में जब बाढ़ है ना, बिहार में बहार है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार में बहार है, वहां चलता है, बिहार में बहार है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चलिए, तो आप लोग बताइए कि जो भाई नेशनल जो है क्रिएचर यानी राष्ट्रीय जलीय जीव, तो अनीता कुमारी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो बिहार में जो डॉल्फिन को सूंस कहते हैं या सूंस कहते हैं ना, तो ये सूंस कहते हैं या शूस कहते हैं, और ये 2009 की कहानी है और 2010 की जवानी है। कहने का मतलब है कि 2009 में ये पारित किया गया एक्ट और 2010 में आपका जो राष्ट्रीय जलीय जीव की उपमा दी गई वो आपको किसको दे दी गई, डॉल्फिन को। अब यहाँ पे आप मोर का वैज्ञानिक नाम देख सकते हैं, पावो क्रिस्टेटस है। इसी तरह बारहसिंगा, अब आपको पता है भाई बारहसिंगा के नाम से दारू भी आती है। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। 11 जी क्या हुआ, आपने मतलब डिलीट क्यों कर दिया, हमने देख लिया था। तो बारहसिंगा को रॉयल स्टेग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉयल स्टेग भी बोलते हैं। इस तरीके से दारू भी आती है रॉयल स्टेग की तरह, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आने से पहले हम आपको बता दें कि भाई इस समय जो है दोस्तों कुछ ही दिन ऐसे बचे हैं कि जब आपको 82% का डिस्काउंट मिल रहा है और कोड आप अप्लाई कर रहे हैं Y221। अगर Y221 कोड अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों D++B का बैच हो चाहे KVS का, D++B का बैच जो है दोस्तों 10 जुलाई से चल रहा है और KVS का बैच जो है 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोर्स निकल जाए। तो भाई आप चाहो तो Y221 कोड अप्लाई करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ चित्र हैं, हो सकता है कि ये विचित्र हैं पर आपके सामने कुछ चित्र हैं। कहने का मतलब है कि ये आपके सामने चित्र क्या दर्शाते हैं, तो दोस्तों ये जो चित्र हैं आपके सामने ये बताते हैं कि कुछ जो आपके जानवर हैं या कुछ आप कह सकते हो जो नाम है, उन नामों के बारे में अगर हम बात करें, चाहे वो शेर हो, चाहे आपका चीता हो, चाहे आपका कुछ हो, जरा ध्यान से देखिएगा इन नामों को, और इन नामों को ध्यान से देखने के बाद कुछ आपको चीजें पता चलेंगी। क्या पता चलेंगी दोस्तों, जैसे कि आपका कैट मने बिल्ली, लायन मने शेर, और पैंथर मने तेंदुआ, है ना, और कॉगर, और फिर आपका माउंटेन लायन। तो ये आपके देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इनकी जो फैमिली है दोस्तों वो आपकी फेलिस है। पर यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो माउंटेन लायन है, ठीक है, जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लॉयन, लॉयन की जो फैमिली है दोस्तों वो आपकी फेलिस लियो भी होता है और पैंथर लियो भी होता है, यानी कि दो फैमिली है। इसी तरह जो आपका भेड़िया हो गया, जो आपका कुत्ता हो गया, जो आपका क्वेटे हो गया, तो इन सब की जो आपका मेन जो ग्रुप है वो है आपका कैनिस। इसी तरह टाइगर का और लेपर्ड का, और यहाँ पे चूंकि लायन भी लिखा है तो अगर हम लायन भी लिख दें तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि पैंथरा लियो है, है ना। तो ये इस तरीके से इनका जो है दोस्तों वो आपका पैंथरा है। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान देना है ना, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, क्या आप में से कोई बताएगा भारत में वर्तमान में चीता है या नहीं है, या पूरे विश्व में चीता है या नहीं है।
भाई चीता है या नहीं है, आप में से कोई बताएगा कि चीता है या नहीं है। देखो शर्माना नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ही आप लाइक करेंगे। चीता भारत में है या नहीं है? एक हम खास बात बताएं कि पहले जो हमारी मतलब दुर्गा मैया थी, पहले वो शुरुआत में शेर पे आने लगी, फिर कुछ समय पहले वो चीता पे आने लगी, फिर कुछ समय पहले वो बाघ पे आने लगी, अब कुछ ऐसा होगा कि वो तेंदुआ पे आएंगी और कुछ समय बाद वो बिल्ली पर भी आएंगी। कारण क्या है कि ये हमारे जो त्यौहार होते हैं, जो हमारी दुर्गा मैया हैं, तो आपको ये दिखता है नहीं? देखिए भारत में चीता नहीं है, भारत में चीता नहीं है। आप सब लोगों ने कहा है तो बिल्कुल, पंकज जी ने जवाब दिया कि इन इंडिया देयर इज नो चीता, भारत में चीता नहीं है, है ना? विक्की सागर, विश्व में तो है पर भारत में नहीं है। और विश्व में कहाँ पर है? तो दोस्तों ईरान में है, ठीक है? तो ईरान में आपके चीता हैं पर भारत में चीता नहीं है। अब आप लोग कहोगे हंस क्यों रहे होगे, आप लोग फोटो देखो, पहले शेर में दुर्गा मैया आती थी, फिर चीता में आने लगी, चीता खत्म होने लगे, फिर बाघ में आ रही हैं, अब कुछ बाद क्या होगा तेंदुआ में आएंगी, है ना? फिर कुछ समय बाद क्या होगा बिल्ली, यानी कि बिल्ली पर सवार होकर आएंगी, है ना? क्योंकि धीरे धीरे ये जानवर जो हो रहे हैं हमारे बीच से विलुप्त हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्ली पर भी आएंगी। अगर आपको पता है तो जैसे कि एक त्यौहार होता है छठ, अगर छठ अगर आप लोग जानते हो तो छठ में जिस देवी की पूजा की जाती है जो भी, तो बिल्ली पे आती है ना? ऐसा कहानी है। बिल्कुल ये कोए क्वेटो क्या है, तो ये दोस्तों अलग प्रकार का जानवर है, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? हाँ चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इसी तरह ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। अब हम बात करते हैं हिरण की, खरगोश की, है ना, चीता है, बाघ है और शेर है। आप जरा इन्हें देखिए, पेपर में ये क्वेश्चन आया है ना, पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों जो है शेर का वैज्ञानिक नाम है आपका, बाघ का वैज्ञानिक नाम है, चीता का वैज्ञानिक नाम है। हाँ बिल्कुल, एक दिन चींटियाँ भी राज करेंगी। आप देखो कोई भी जीव छोटा नहीं होता है, आपने ध्यान दिया होगा जो आंट होती है चींटी, या जो एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट जो होता है कितना बड़ा होता है शरीर में, और चींटियाँ कितनी छोटी होती हैं। लेकिन आपको पता है कि एक हाथी क्या होता है, चींटी से डर के चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना? तो यहां पे आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब आपके सामने कुछ जो सिस्टम है साइंटिफिक नेम का, वो क्या है दोस्तों? जैसे कि डॉग है, डॉग के बारे में कहें, वुल्फ के बारे में कहें, या आप कोयटे के बारे में कह सकते हैं, तो ये आपके साइंटिफिक नेम है। जैसे कि कुत्ते का नाम होता है कैनिस फैमिलियर्स, है ना, वुल्फ यानी भेड़िया का नाम होता है कैनिस लुपस, इसी तरह कोयटे का जो नाम होता है कैनिस लैटरन्स, है ना? तो यहाँ पे इट इज यूज्ड एज द जीनस नेम बिकॉज दीज एनिमल्स आर डॉग लाइक। इनका जो जीनस नेम है वो क्यों है? क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं, इनकी शक्ल जो है कुत्ते जैसे मिलती है। आप कह सकते हो जैसे कुत्ता हो गया, आपका भेड़िया हो गया, आप लोग का लकड़बग्घा, शायद किसी ने सुना होगा लकड़बग्घा, आपके गांव में भी लकड़बग्घा होगा, जिसको कोयटे को शायद लकड़बग्घा कहते हैं, आई थिंक, है ना? जी हाँ। अच्छा आपको पता है भाई चींटियों का भी परिवार होता है, जो आपके चींटी वगैरह होती है ना, इनका भी अपना एक परिवार होता है। आपको जानकर हंसी आएगी कि भाई चींटियों के भी अपना, यानी कि वो भी गाय रखती हैं, वो भी मतलब उनका भी एक मतलब गौशाला होता है ना, उनमें भी राजा होता है, उनमें भी रानी होता है। बिल्कुल, तो चींटियों में भी ऐसा होता है। चलिए, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब कक्षा 6-7 में होंगे तो इस समय फलों का राजा है ना, फलों का राजा जो आम होता है, तो आम का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैंगी फेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मैंगी फेरा इंडिका।
नहीं भाई, पीडीएफ तो इसकी जो है आप लोगों को पेड क्लास में ही देते हैं। इसी तरह गन्ने का हम बात करें, सुग्रेंस ऑफिसिनेरम, नारियल का पेपर में कई बार आपसे पूछा गया भाई। नारियल जो है आप लोगों को पता है सदर्न पार्ट यानी कि भारत के दक्षिणी हिस्से, जैसे कि आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, है ना, यहाँ पे आपका मिलता है। तो नारियल का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, कोकोन्यूसीफेरा, है ना। इसी तरह आपसे कहा जाता है सेब, एक सेब रोज खाना चाहिए, तो सेब का हो गया मेलस प्यूमिया डोमेस्टिका। इसी तरह केला, आप जानते हो इस समय केला का सीजन भी चल रहा है, केला भी आ रहा है, तो केला का हो गया मूसा पैराडिसिएका। संतरे का नाम भी आपको पता होना चाहिए भाई, संतरे के लिए जो है दोस्तों नागपुर जो है बहुत फेमस है, नागपुर जो है महाराष्ट्र में है। इसी तरह आपका नाशपाती हो गया या लीची का हो गया, ठीक है जी हाँ। अब यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक नेम जरा देखते हैं कॉमन प्लांट्स के। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपका एप्पल है, ये आपका बंबू है, ये आपका बनाना है, ये आपका बनियान है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये दोस्तों सेब है, ये आपका बांस है, ये आपका केला है, ये आपका बरगद है, ठीक है हाँ। अगर आप देखिए इसके नीचे आपका नाम लिखा पड़ा है भाई, क्या क्या नाम है, तो ये आप देख सकते हैं पेपर में कई बार सिंपल सिंपल। अच्छा, आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगा भाई सेब कहाँ होता है। आप में से लोग सोचते होंगे भाई सेब ऐसा तो नहीं किसी फैक्ट्री में बनता है ना, या सेब पेड़ में उगता है या सेब जमीन के नीचे। ईमानदारी से बताइएगा, कौन सोचता था कि सेब जो है बिल्कुल आम की तरह होता है, यानी आम के पेड़ जैसे होते हैं वैसे ही सेब का भी पेड़ होता है। शायद आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे भाई सेब जो है कौन जमीन के अंदर से निकलता हो, है ना। अगर भाई नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से गाना भी सुना होगा, बेरी का बेर, इमली खट्टे मीठे बेर, है ना, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। बिल्कुल, तो सेब जो है हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है, कश्मीरी सेब जो होता है बहुत ही फेमस है आपका। अब यहाँ पे आगे हम बात करें, बेर के बाद आता है चाय। जब आप लोग चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो तो क्या कभी आपने सोचा, नो, है ना, कभी आपने सोचा भाई ये जो कॉफ़ी पी रहे हैं इस कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, या जो हम चाय पी रहे हैं इस चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ देखो, ऋषभ कह रहे हैं कि भाई मैं सोचता था कि मतलब सेब जब बरसात होती है तो ऊपर से गिरते हैं। बिल्कुल, अब जैसे चाय का वैज्ञानिक नाम थिया साइनेंसिस है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। चाहे कॉफी का नाम है कॉफिया अरेबिका, है ना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मसालों का जो नाम अगर हम बात करें या वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें, जैसे केसर जो होता है क्रोकस सैटिवियस। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है भाई केसर जो होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। आपको बताना है केसर जो है पौधे का कौन सा भाग होता है। केसर जो है पौधे का कौन सा भाग होता है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं भाई कौन बता पाता है, वरुण, प्रगति, नीतु, देखते हैं कौन आप में बता पाता है। इसी तरीके से हल्दी जो है, हल्दी का क्या होता है, कुरकुमा लौंगा, है ना। इसी तरह काली मिर्च पाइपर नाइग्रम, बहुत बढ़िया, तो वर्तिका होता है ना, वर्तिकाग्र होता है, जिसे अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, यानी जो केसर होता है पौधे का जो भाग होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मसालों के नाम दिए हैं, शायद आप लोग को ना पता हो, जैसे भाई तेज पत्ता आप लोगों ने देखा है बहुत तेज होता है, बे लिप्स कहते हैं, इलायची है, शाही जीरा है, कणफूल है, काली मिर्च है, जायफल है, जावित्री है ना,
दालचीनी है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह मिंट है, गार्लिक है, फिर आपका ये बैसिल, बैसिल का मतलब तुलसी है, आपका टर्मेरिक हल्दी है ना। तो ये सारे आपके होते हैं। आप लोग में शायद कुछ लोग सोचते होंगे, सर ऐसा होता है क्या, हमने तो हल्दी भी नहीं देखी थी, है ना, हमने तो आपका लौंग भी नहीं देखा था। तो भाई आप मतलब भारत में रहते हैं तो इन सब चीज़ों को देखिए, है ना, इन सभी चीज़ों को देखिए ताकि आपको लगे कि आप भारत में रहने वाले व्यक्ति हो, है ना, इसी धरती पर रहते हो, कहीं और से नहीं आए हो, है ना। कि मिंट इस तरह होता है, लाइम लीव इस तरह होता है, अदरक ऐसा होता है ना, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब हम कुछ सब्जियों के बारे में बात करते हैं। भाई सब्जियों के भी कुछ नाम होना चाहिए। हाँ, केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का, यानी कि बागान या मसालों का कहा जाता है। जैसे टमाटर का वैज्ञानिक नाम कई बार आपसे पूछा गया है, अदरक का आपसे पूछा जाता है, लहसुन का आपसे पूछा गया है, गाजर तो भाई आपको पता है, विटामिन आपका ए इसमें भरपूर होता है, जो कि आपकी रतौंधी यानी कि आंखों की बीमारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मूली का वैज्ञानिक नाम है ना, प्याज का वैज्ञानिक नाम, मटर पेपर में कई बार आया हुआ है। भाई मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है दोस्तों, पाइसम सटाइवम कई बार आपसे पूछा गया है। इसी तरह प्याज आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। जी हाँ, डेली यूज वाले हैं तभी तो ये पेपर में आते हैं। जैसे कि प्याज का हो गया आपका ओलियम सीपिया, है ना। इसी तरह आपसे कुछ यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, चाहो तो आप इनका सर केसर जिससे मिलता है वो दिखाएं। अच्छा ग्यारह जी, केसर जिससे मिलता है वो दिखाएं। अच्छा अभी देखते हैं, वो शायद इमेज नहीं है, आई होप। जैसे आपका कुछ यूज है, जैसे गार्लिक होता है इसे नेचुरल एंटीसेप्टिक कहते हैं, इसी तरह जो अदरक होता है एंटी नोसिया रेमेडी कहते हैं, इसी तरह आपके अलग अलग यहाँ पर जैसे अदरक होता है एंटी कैंसर। एक बात याद रखिए, अगर आप में से जो भी यानी कि जो हल्दी होती है ना, हल्दी, और बहुत से लोग जल्दी जल्दी में हल्दी का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जो हल्दी होती है ये कैंसर होने से हमें बचाती है, तो याद रखें। इसीलिए हर सब्जी में आप हल्दी का प्रयोग जरूर करें, है ना, हल्दी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हल्दी जो है दोस्तों ये आपको कैंसर होने से बचाती है। चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सारे के सारे आपके दे रखे हैं, तो इनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, हम आपको जानकारी दे रहे हैं भाई, 82% का आपका डिस्काउंट चल रहा है, कोड आप लोग Y21। आप में से कौन है, अगर आप लोग देख रहे होगे, चाहे अमूल हो गया चाहे जो भी, अब इनका हल्दी वाला दूध आ गया है। कौन सा दूध आ गया है, हल्दी वाला, यानी कि जो हल्दी का दूध है वो ये मार्केट में लेकर आए हैं। केसर के लिए जम्मू कश्मीर का जो है दोस्तों लद्दाख वाला रीजन आपका फेमस है, चाहे D++B हो चाहे KVS हो, तो 82% का आपका डिस्काउंट है Y21। इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और हैं, जैसे कि जौ का नाम पूछा गया है, अरहर का नाम आपसे पूछा जाता है, अगर हम बात करें सरसों का कई बार आपसे पूछा गया है, जैसे ब्रेसिका कैम्प्रोस्टिस या ब्रेसिका कैम्प्रोस्ट्रियम, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अच्छा आप लोग बता सकते हो, जो तेल होता है सरसों का तेल, जो ऑयल होता है सरसों का ऑयल होता है, उसमें एक डुप्लीकेट मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। नहीं, कुछ लोग बिना हल्दी के सब्जी खाते हैं, तो मैं उन्हीं को बता रहा हूं कि बिना हल्दी कर दिया अगर जल्दी तो निकल जाओगे ऊपर आप भी जल्दी जल्दी, है ना, याद रहिए। तो भाई अगर कैंसर से बचना है तो हल्दी का सेवन जरूर करें। आप लोग को पता है चोट में दूध में अगर हल्दी डाल के पीते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। कुछ दिनों पहले तो अमेरिका और भारत में हल्दी को लेकर लड़ाई भी था, यानी कि जो एक होता है ना
पेटेंट्स है ना। तो हल्दी को लेकर लड़ाई भी था कि अमेरिका और भारत में, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखा आपने सरसों का, इसी तरह दोस्तों गेहूं का और धान का और बाजरे का आपको आना चाहिए। गेहूं का होता है ट्रिक्टम एस्टिवियम, इसी तरह धान का होता है ऑर्जिया सेटिवॉट, बाजरे का होता है पेनिसिटम अमेरिकी कोनम, है ना। तो पेपर में ये तीनों क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। और अब तो दोस्तों कपास का भी पूछा जाने लगा है, गैसीपियम कपास का कई बार पूछा गया है। अरे भाई, कोई बहुत से लोग हैं जो बिना हल्दी के जल्दी जल्दी खाते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी ऊपर निकल जाते हैं। तो बिना हल्दी अगर बनाई सब्जी जल्दी, तो याद रखें आप कहोगे सॉरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूंगफली का जो है वो भी है, ठीक है। इसी तरह जो आपका मक्का है ना, मक्का आपको पता होना चाहिए, ये 14वीं सदी में ये भारत आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? तो ये अमेरिका से आया था। 14वीं सदी में भारत आया था मक्का, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम लोग आपकी सेहत से बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग में बहुत से लोगों ने शायद बादाम, काजू है ना, छुहारा, चिनौजी, अखरोट, इन सबको नहीं देखा होगा, मखाना, नारियल, चिलगोजा, पिस्ता, किशमिश, अंजीर। तो आइए इन्हें देखिए और मुंह में पानी आए तो मार्केट से खरीदिए, और क्या, अब ये हम थोड़ी खरीद के खिलाएंगे। यहाँ पे अंग्रेजी में भी नाम है कि बादाम को आलमंड्स कहते हैं, काजू को कैस्यू कहते हैं, मूंगफली को पीनट्स कहते हैं, छुआरा को डेट्स कहते हैं, है ना। डेट का मतलब वो डेट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसी तरह पिस्ता है, किशमिश है, अंजीर है, आपको देखकर अच्छा लग रहा होगा, आई होप, है ना। मखाने को लोटस सीड्स कहते हैं। अच्छा, बाजरा का तेल कान में डालने से सुनने की गति बढ़ जाती है, पंकज जी। तो मतलब कितना सुन पाओगे, मतलब आप कितना तेज सुन पाओगे, कैसा लग रहा है आपको बताना है भाई। हो सकता है भाई सबने देखा भी हो, सबने खाया हो। भाई देखिए, हम आपको पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, आप अपने दिल पर क्यों ले लेते हो। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं, है ना, नहीं सुने होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है भाई, आपके लिए थोड़ी कहा है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे, काजू का नाम जो है दोस्तों, बादाम का नाम है प्रूनस अरमेनिका, इसी तरह इलायची का नाम है, आप सब लोग इलायची बड़े चाव से मुंह में डालते हो। हाँ, लॉकडाउन में मजा लीजिए। और आखिरी स्लाइड है, साइंटिफिक नेम जो है दोस्तों, ह्यूमंस, हम सब मानव हैं, और मानव हैं तो यहाँ पे आपका वैज्ञानिक नाम आपके सामने है भाई। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, इसी तरह आप इन सब को पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए भाई पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये रहा आज का जो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? साइंटिफिक नाम ऑफ एप्पल, एप्पल जो आपका पाइन एप्पल का जो साइंटिफिक नेम क्या है भाई? पहले क्वेश्चन का ए होगा, क्योंकि भाई पहले क्वेश्चन में ए में अनानास आ गया, यानी कि इसका आंसर ए होगा, है ना, इसका आंसर ए होगा भाई। या तो लाइक कर दो या तो डिसलाइक कर दो, है ना। 100 लोग हैं, अगर एक मिनट के अंदर आप सबनों ने लाइक या डिसलाइक नहीं किया तो बस क्लास यहीं पे ऑफ कर देंगे भाई। या तो लाइक करिए या तो डिसलाइक करिए, जो भी होना चाहिए, दोनों को मिला के 100 आना चाहिए। चलिए भाई, खरगोश का नाम हम लोग देखते हैं। खरगोश का नाम क्या है भाई? खरगोश का साइंटिफिक नेम क्या है? खरगोश का साइंटिफिक नेम क्या है? हाँ जी भाई, बिल्कुल हम क्लास ऑफ कर देंगे, या तो लाइक करो या तो डिसलाइक करो, दो में से कोई भी हो। और टीचर सड्डा पे हैं तो भाई सब्सक्राइब करो, भले चाहे आप डिसलाइक कर दो चलेगा भाई। 91 हो गए 93, अभी 7 लोग की कमी है, जल्दी से करो भाई। खरगोश का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? तो भाई इसका नाम बड़ा ही कठिन है,
इसको पेपर में याद रखना, इसका भी आंसर आपका ए होगा, क्वेश्चन नंबर ए होगा। बाजरे का तेल अभी बाद में दिखाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 98-2 100 हो गए, ये मतलब इसे कहते हैं दम, आप लोग बहुत अच्छे हो भाई। पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? आप देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, आप आराम से बता सकते हैं कि पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, मजा आ गया। पपीते का वैज्ञानिक नाम जो दोस्तों क्या होगा, तो पपीते का वैज्ञानिक नाम जो होगा वो आपका यानी कि कैरिका पपाया होगा। मतलब आप लोग इंतजार में रहते हो सर कब कहेंगे और हम करेंगे, क्या है, बहुत बढ़िया, जी हाँ बहुत बहुत शानदार। तो पपीते का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया होता है। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर जो है वो ए है दोस्तों, जानवी है, हितांशी है, प्रवीण है, अंजलि तोमर, सबका सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चार है, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा भाई? सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम जो है आपको पूछा जा रहा है वो क्या होगा, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर चार, सूरज का क्या होगा भाई, सूरजमुखी, बिल्कुल सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा आपको जवाब देना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। तीसरे का आंसर ए है, चौथे क्वेश्चन का आंसर टीचर सड्डा पे है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने बोला कि भाई हितांशी कह रही बी होगा, राम आश्रय कह रहे हैं सर ए होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सूरजमुखी, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम भाई। अब तो हमको वो भी बताना पड़ेगा ना, कल के जो विनर हैं, कल के विनर के नाम भी बताना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है दोस्तों बी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच है, आपसे पूछा जा रहा है जो बाइनोमियल जो पद्धति है उसके बारे में, तो कल के जो विनर हैं उनके नाम भाई अनाउंसमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि कल जो है सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और कल जो सबसे पहले जो जवाब दिया था, बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर क्या होगा भाई, ए को लॉक करो, शिवम शर्मा कह रहे हैं ए को लॉक करो, और ए बिल्कुल सही जवाब है, शिवम का आंसर ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन रिपीट कर गया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स रिपीट कर गया है भाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अरे एन सिंह हमने तो बता दिया क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका रिपीट कर गया है, और अब आ रहे हैं कल के जो यानी कि विनर हैं उनके नाम, एप्पल, एप्पल का नाम क्या होगा आपको बताना भाई, एप्पल का नाम क्या होगा, देखिए अगर आपको याद आ रहा हो भाई एप्पल का नाम, तो एप्पल के बारे में अभी हमने बताया था, एप्पल का नाम क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर सात, देखिए यहां पे सूरजमुखी का नाम जैसे है आपको ये हमने बताया, कंफ्यूज हो रहे हैं तो आइए देखते हैं, देखिए सूरजमुखी नहीं है, एप्पल, 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 एप्पल का नाम देखिए लिखा हुआ है पायरस मालुस है ना, और सूरजमुखी का नाम हमें लग रहा है शायद नहीं है, हाँ भाई सूरजमुखी का नाम नहीं है, सूरजमुखी का नाम नहीं है, सॉरी उसका हमने सोचा नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाए दोस्तों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है, क्वेश्चन नंबर आठवां है, क्वेश्चन नंबर आठ के बारे में अगर हम लोग बात करें, यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर गया है,
ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। तो भाई कल के जो विनर हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। सबसे पहले यानी कि जो सही जवाब दिया है वो दिया था स्मिता शर्मा, स्मिता शर्मा, फिर यानी कि मुकेश कुमार, फिर सतीश कुमार, फिर नीलेश यादव, फिर है छोटे लाल, फिर है नेहा यादव, है ना। फिर इसके बाद से और जिन्होंने कमेंट किया उनमें है सपना अवस्थी, नहीं सपना अवस्थी नहीं है, सपना अनवानी, और इसके बाद जो है एल एन पी एल ने भी जवाब सही दिया था, आर सिंह, है ना, आर सिंह का जवाब भी सही आया था, और बिल्कुल बढ़िया। तो ये कल के विनर थे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, टीचर अड्डा पे हैं तो भाई आपका काम है कि आलू का वैज्ञानिक नाम जरूर बताएं। भाई आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है आप लोगों को पता है? भाई अभी आलू के बारे में हमने बताया था। देखिए पेपर में ये चीजें कई बार हमने आपको बताई हैं और इन्हें याद रखना होगा आपको। कहां गया आलू? ये आलू, आलू नहीं दिखा, अरे आलू था तो भाई, हमें लग रहा है एक हमने गायब कर दिया है। टमाटर, अदरक, प्याज तो है, आलू नहीं है हमें लग रहा, नहीं भाई आलू नहीं है, चलो आलू नहीं है कोई बात नहीं, आलू नहीं है तो क्या होगा भाई? नवे का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आलू का जो नाम होगा, करिश्मा भारतीया ने कहा डी होगा, दीप्ति भी कह रही डी होगा, विनीत चौधरी जब कह रहे हैं डी होगा, तो भाई डी आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आने से पहले 82% का डिस्काउंट है, कोड आपको यूज करना है Y21। बात करते हैं टीचर बनना हुआ अब आसान, याद रखिए ये तीनों के तीनों जो हैं, रुचि मिश्रा जी यहाँ पर हम स्लाइड आपको इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि वहाँ पे कुछ हमें ये लग रहा था, क्योंकि स्लाइड में शायद आपका होगा, याद रखो स्लाइड हम इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि वो पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हम आपको बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्याज का नाम आप लोग को पता है? प्याज का नाम अभी हमने आपको दिखाया, प्याज का नाम अभी हमने आपको दिखाया, तो प्याज का नाम आप बता सकते हो? जी हाँ, प्याज का नाम आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल प्याज का नाम आप लोग बता सकते हो। देखो कहने का अभी जो हम ये स्लाइड दिखा रहे हैं ना, बार बार ये स्लाइड मैं क्यों दिखा रहा हूँ उसका विशेष रीजन है। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जरा कपास, धान, ए कहाँ गया ये, कि ये देखिए आपको मटर है आपका, फिर आपका प्याज है, फिर आपका मूली। हम ये बार बार दिखा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से चाहे आपका ये हो, चाहे जौ हो, चाहे अरहर हो, तो मेरे दिखाने का मतलब है कि भाई ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, कम से कम इसे बार बार आप लोग देखोगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। और दसवें क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग का बी जो है वो 100% सही है। तो भाई 10 ही क्वेश्चन थे, 10 आपके जवाब रहे, अब आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, रात 9 बजे मिलते हैं, और रात 9 बजे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने का मतलब शहरों के पुराने नाम, यानी कुछ शहरों के जो नाम हैं जो मोदी सरकार में या चेंज किए गए हैं उनके बारे में रात का विषय होगा, रात 9 बजे। तो रात 9 बजे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं अनंत भारत लेता हूं आप सबसे इजाजत। तो एक बार सब लोग स्माइल करेंगे, एक बार सब लोग स्माइल करेंगे। हाँ वो हर हर महादेव, हम सारी सब्जी को लेकर आए थे, आलू आपका छूट गया है ना, तो एक बार सब लोग स्माइल करेंगे फिर क्लास को हम ऑफ करेंगे, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को फीलिंग गुड आए। चलिए ओके डियर, बाय बाय।